Hey guys, so हम आए हैं सिंगापुर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंगापुर इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से जी. सीरियसली ए से जेड तक सारे लेटर्स. ए से क्या करेंगे, बी से क्या करेंगे, सी से क्या करेंगे, मतलब समझ रहे हो क्या होने वाला है आज? भाई आज तो मतलब पूरा सिंगापुर कवर होने वाला है, मजा आने वाला है. सारी अट्रैक्शंस खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो चलो फिर ए से एक्वेरियम चलते हैं. दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्वेरियम है जो कि सिंगापुर में है. ए से एक्वेरियम देखते हैं. आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी शार्क्स हैं, बहुत सारी व्हेल्स हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, टर्टल्स हैं. मुझे सबसे बड़ी शार्क सामने नजर आ रही है, ये रही सबसे बड़ी शार्क. इतना बड़ा पूल है यार ये. जा इसके अंदर डुबकी मार. अच्छा देख रहे हैं भाई कितनी बड़ी बड़ी शार्क्स हैं. तो दुबई के बाद सिंगापुर में मिलता है सबसे बड़ा एक्वेरियम और हमने सोचा कि यहाँ ना तो बनता है. अशर को दिखाएं भाई, बहुत तेज की भूख भी लग रही है, जल्दी से एक्वेरियम घूम लेते हैं ताकि फिर बीच से ब्रेकफास्ट भी कर सके. ये बेचारी फिश सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा. हर्ष यहाँ के बैठ गए यार. यहाँ पे ना लॉयन फिश आने वाली है, मुझे वो देखनी है, उसके देखे बिना नहीं जाऊंगा मैं. अरे मुझे भूख लग रही है, बीच से ब्रेकफास्ट करा सिंगापुर के सबसे अच्छे कॉफी शॉप में. आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है. इतने बंदे खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ लॉयन फिश देखने के लिए. आई नहीं रही. कहाँ है फिश, कहाँ है? ये रही फिश, व्हाइट सी फिश हमारे पास. अशर के देखते ही आ गई. अशर इज सो लकी. ए से अशर के साथ बी से ब्रेकफास्ट करने हम आ गए सिंगापुर के बहुत ही पॉपुलर कॉफी हाउस में जिसका नाम है होशिनो. देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं. कॉफी तो ऑर्डर करेंगे यार. परांठे वरांठे नहीं खा रहे हम? छोले भटूरे परांठे. सिंगापुर आए ना हर्ष, जब इंडिया एक्सप्लोर करेंगे ए टू जी तो फिर परांठे भी खा लेंगे. अभी यहाँ पे क्रेप्स खाते हैं, पैनकेक्स खाते हैं, सैंडविचेस खाते हैं. कॉफी मिलेगी? कॉफी यार सब कुछ मिलेगा. देख कितना क्यूट क्यूट चीजें मिल रही है. चलो फिर सब कुछ मंगा ले. ओह माय गॉड इतना अच्छा खाना प्रेरणा. देख रहा है मैंने क्या क्या मस्त चीजें ऑर्डर करी है. डिकैंटर में इतनी अच्छी आइस टी ऑर्डर करी है. Wow. फ्राइज पार्मेजन चीज के साथ. और यहाँ पे हमारे पास सैंडविचेस. अभी हमारी एक चीज और नहीं आई हर्ष, पैनकेक. इतना कुछ खा रही है प्रेरणा तू तो यार. नजर लगा दे तू तो. आजकल हमारा ब्रेकफास्ट कई बार ऐसा भी होता है, सर को आना पड़ता है गोदी में, तो हम ऐसे एक हाथ से खाते हैं खाना. बहुत यम है यार. अब सी से कहाँ जाएंगे आगे हम? मैं आ गई हूँ सी से चाइना टाउन और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी मस्ती, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है बड़ी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट आइटम. लेफ्ट में इतनी कलरफुल बिल्डिंग्स है ना, दिखाओ. बट मेन हमें जाना है पगोड़ा स्टूडियो और जहाँ पे वो रेड रेड कलर के बैलून्स लगे हुए हैं और बिल्कुल लिट रहती है वो मार्केट. वो बैलून्स नहीं, वो लैंटर्न्स होते हैं, लैंटर्न्स. भाई कितना कुछ मिल रहा है यार. लेना फिर भी तूने कुछ नहीं है. समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं, बता क्या लेना है. भाई क्या मस्त है चाइना टाउन यार, ऐसे लग रहा है तू किसी अलग ही दुनिया में चल रहा है. चाइना इट इज. बहुत ही अलग सी सुंदर सी मार्केट है और बहुत ही क्यूट क्यूट चीजें मिल रही है. ऐसा लग रहा है क्यूटनेस अबंडेंस में. रेड ही रेड है यार हर तरफ, ऐसे जहाँ भी देखो ना पूरा लाल लाल लाल. तो कुछ लेना यार, लैंटर्न ही खरीद. समझ नहीं आ रहा, बैलून कह रहा था ये ले ले ये. क्यूट लग रहा है. हमने अशर के लेवल ही ड्रेस लिया, हमें लगा इस पे ड्रैगन बना हुआ है और ये भूटान वूटान ऐसे कंट्रीज बहुत घूमते हैं ना, तो हमने सोचा एक ले लेते हैं इस पे ड्रैगन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा क्यूट लगेगा इसको पहन के वो. बाय द वे मैं बताना चाहती हूं टॉप सब्सक्राइबर ऑफ दिस वीक जो कि हैं आशा, अनमोल, सौम्या, चांदनी, आशी, सुनिधि एंड अंजू. अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक, तो आपको बस इतना बताना है कि फेवरेट एशियन कंट्री कौन सी है असाइड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़ के. सो सी से चाइना टाउन में हमने ले लिया अशर के लिए, डी से ड्रेस. डी भी हो गया अब हमारा. नहीं नहीं डी से कुछ और करेंगे अतरंगी. प्रेरणा डी से डॉल्फिन आइलैंड. ओ यार कितना मजा आएगा यार, मैं डॉल्फिन्स के साथ स्विम करूंगा. यस वी नीड स्विमिंग फॉर दिस. स्विमिंग तो तुझे आती नहीं, तो फिर कैंसिल करते कुछ और करेंगे. मैं करूंगी ना. नहीं मैं करूंगी डॉल्फिन शो. तो फाइनली मैं जा रही हूँ डॉल्फिन के साथ स्विम करने और हर्ष यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ देखेगा मुझे स्विम करते हुए. इसीलिए कहते हैं स्विमिंग आनी चाहिए. बाय. आई वांट टू डू दिस. नेक्स्ट टाइम यू लर्न स्विमिंग एंड कम अगेन. क्या हुआ यहाँ पे, मुंह से जाके क्यों बैठा है यार? मेरे को डॉल्फिन्स के साथ स्विम करना था, अशर को संभालना पड़ा, सारा फन तो तूने किया यार. यार तो तू ऐसे दुखी क्यों हो रहा है, तू बाद में कर लेता. मैं सोच रहा हूँ ई से क्या करूँ कि मेरे को मजा आए, मतलब क्या ऐसा तरंगी करूँ इसमें. इतना क्या सोचना, ई से एक्सरसाइज के लिए जिम है, जा ई से एक्सरसाइज कर. वैसे भी वेकेशन पे आए हैं, एक्सरसाइज तो बनती है यार. एक्सरसाइज क्योंकि 6 महीने एक्सरसाइज
को पीस चाहिए पीस। प्रेरणा कृपा करके यहाँ से चले जाए। पीस से पीस चाहिए देखो। हाँ सारी मशीनें कर लूंगा आज ही। चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, बहुत ज्यादा वेट डला हुआ है। बहुत जरूरी होती है पता है एक्सरसाइज। हाँ हाँ बिल्कुल, टोन देख के पता लग रहा है। हाँ और क्या यार, एक बात था, ट्रिप पे हम इतना अनहेल्दी खा रहे हैं तो एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है पता है। प्रेरणा इतनी एक्सरसाइज करा दी, अब मुझे ना एफ से ना फ्लाई करा दे। फ्लाई देखो ये पता है क्यों बोल रहे, क्योंकि मैं इसको एक्चुअल में फ्लाई कराने लाई हूँ केबल कार में। तो यार ये ना बड़ी अच्छी अट्रैक्शन है सेंटोसा आइलैंड की। यहाँ पे आप केबल कार लेके पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक आइलैंड एक्सप्लोर करने की टिकट है $30 राउंड ट्रिप। हाँ $15 ईच टिकट। तो चलो उड़ते हैं। अशर केबल कार में बैठोगे? बैठूंगा। फाइनली हम लाई कर रहे हैं सिंगापुर की केबल कार राइड में और बहुत मजा आ रहा है। सेंटोसा आइलैंड आए हो तो केबल कार में फ्लायर में जरूर बैठना यार। अशर के साथ अलाउ होगी सबसे अच्छी बात ये। और यहाँ से बाहर का व्यू देखो क्या मजेदार है यार, क्या दुनिया है खूबसूरत। अशर को जी से लेके आ गए हम गार्डन्स बाय द बे, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे बे को गार्डन्स बाय द बे दिखाएं। तो चलते हैं अंदर और बहुत सारी सुंदर सुंदर जो ट्रीज प्लांट्स और बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें वो दिखाते हैं। यहाँ से दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। नहा ली मैं पानी में एक्चुअल में। बच्चा ना उड़ जाए। हेलो ब्रदर, कैसा लग रहा है ब्रदर? तो भाई बस ऐसे ही जंगलों से निकलते हुए झरने आ रहे हैं, अवतार के सीन्स आ रहे हैं और निकल रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। भाई तू देख रहे हैं यहाँ पे कौन है? अच्छा देखो बंदर। ये बंदर है भाई, आप ये देख सकते हो पूरा उन्होंने एक्सपीरियंस क्रिएट करा हुआ है, एक्चुअल में जंगल बनाया हुआ है भाई। और तो और यहाँ पे वेडिंग शूट भी होता है, तू देख रहा है ड्रेस कितनी क्यूट है यार, लोकेशन कितनी ड्रीमी है ये देख। और ये हर्ष जानबूझ के ऐसे आ रहा है, कह रहा है कि मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ब्राइड और ग्रूम के साथ। एंड ये आ गया, देख रही है शेर को स्पेशली दिखाने लाए हैं ड्रैगन। वो देखो कितना बड़ा ड्रैगन है, बैठोगे इसके ऊपर? हैरी पॉटर भी बैठते हैं। अच्छा डर रहा है यार मुझे लग रहा है। नहीं शेर नहीं डरता। डर रहे हो? खुश हो रहा है। मैं नहीं डरता पापा, कह रहा मैं इसको किक मार दूंगा। अशर जब बड़ा होगा तब ऐसे बच्चों की तरह करेगा। अशर तू भी ऐसे करेगा? हाँ करूंगा करूंगा। तो चलो एज से आपको दिखाती हूँ मैं अपना होटल, होटल टूर तो बनता ही है यार। तो अभी मैं आपको पूरी एक्टिंग करके दिखाऊंगी कि मैं रूम में एंटर कर रही हूँ। आइए प्रेरणा जी आइए। ये है हमारा नेक्स्ट 8 नाइट्स के लिए लग्जूरियस विला। तो भाई हम अपार्टमेंट क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? देख रीजन, इतना बड़ा आपको मिल जाता है सोफा एरिया प्रॉपर बैठने के लिए, फिर आपको मिलती है इतनी पूरी असेंबल्ड किचन, इतना बड़ा फ्रिज, साथ में सिटिंग एरिया, यहाँ मैं प्रेरणा और अशर बैठ के खाना खाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए 3 इतने बड़े बड़े बोल रख दिए, उन्हें ये नहीं पता कि अशर तो खाता ही नहीं है। यार क्या लग्जूरियस फिटिंग्स है, क्या लग रहा है यार। ये ना होटल से भी सस्ते रेट पे हुआ अपार्टमेंट। एग्जैक्टली, आज आगे लेके चलते हैं। लग्जूरियस बोलने के लिए देखो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी, इसमें हर अशर के कपड़े धोएगा। भाई इतना बड़ा बाथरूम होटल में ना, पता सिंगापुर में क्या कहा जाता है कि 10-10 मीटर 11-11 मीटर स्क्वायर के ना रूम्स होते हैं यहाँ पे। अच्छा, और उतने मीटर स्क्वायर का तो बाथरूम मिला है। सही में कितना सर्च करते हैं ना हम एक्चुअल में होटल के लिए। ये बात तो है, और ये खुलने ना, अब खुलेगा नहीं तो नहाने कैसे जाएंगे? क्या अल्टीमेट रूम है यार। अरे भाई सबसे अच्छा मुझे वॉल लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर ना ये 2 ऐसे टांग दिए हैं बस, देख कितना सिंपल और आराम से एस्थेटिक लगता है। मिरर देखियो, आराम से सकते हैं। अब हम जा रहे हैं आई से आइसक्रीम खाने। सच्ची में आई से आइसक्रीम खानी है? बिल्कुल आई से आइसक्रीम खाएंगे, यमी यमी अशर, यमी इन माय टमी। तो गाइस हमें यहाँ पे मिली है 0 एडेड शुगर वाली आइसक्रीम, इसीलिए मैं यहाँ आई हूं क्योंकि मुझे योल की खानी है। अबे फ्री टॉपिंग्स भी है यहाँ तो, क्योंकि सिंगापुर का बर्थडे है इसलिए हमें फ्री टॉपिंग्स मिल रही हैं। यो देख रहे हो ऐसी कंट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो हम इतनी सारी टॉपिंग्स में से कोई भी टॉपिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारी आइसक्रीम बनने वाली है। एंड हमारी आइसक्रीम रेडी है। अशर आइसक्रीम हम नहीं खाने देंगे तुझे, ये भगवान क्या जुलूम है। मजा आ रहा है ना प्रेरणा ऐसे चैलेंजेस करके? भाई कितना सही तरीका है ना सिंगापुर एक्सप्लोर करने का, सारी अच्छी चीजें भी खा पा रहे हैं और घूम भी पा रहे हैं और फन भी हो रहा है। और यार इतना यम्मी यम्मी आइसक्रीम खाओ, कितने अलग तरीके से बनाई है ना, ये तो बनता ही था। तो जैसे हम आ गए जुरासिक पार्क और यहाँ पे हम अशर को मिलाने वाले बहुत बड़े बड़े खून खार डायनासोर से। डरेगा तो नहीं ना? ओ अशर इज वेरी ब्रेव, मैं डायनासोर खा जाऊंगा पापा, खा जाऊंगा। वो देख तेरे पीछे सिर पे ही खड़ा है एक डायनासोर इतना बड़ा। अशर कह रहे हैं मैं बड़ा होके सारी राइड्स पे बैठूंगा। ये
हर्ष के से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, के से क्या करे? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार, इतने बड़े शॉपिंग मॉल आया, के से पर के से अशर क्या? किड्स किड्स ए से अशर होता है, के से अशर के से किड्स किड्स शॉपिंग करते ना। ठीक है यार, कॉटन ऑन पे यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है सिंगापुर का बच्चों के लिए। चलो फिर, चल भाई तेरे मजे कराए। आज की वन फाइनल स्टोर पे आए हैं हम कॉटन ऑन, और हम अशर के लिए ले रहे हैं यहाँ से हैरी पॉटर के कपड़े। मुझे काफी अच्छे लग रहे थे, ये वाला नहीं, हॉगवर्ड्स ले रहे हैं। हॉगवर्ड्स की ट्रेन में बैठ के जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है भाई, तभी ले रहे हैं हम ये वाले कपड़े। एग्जैक्टली। और ये मैंने एक पेयर इसका देखा है, व्हाइट शर्ट और ये कार्गो पैंट जैसी मैं पहनता हूँ, और एक बहुत ये और अलग अलग से ब्लैक पेज, और ये पर्पल क्योंकि बीटीएस फैन है वो प्रेरणा की तरह। हाँ। चलो बिल कराते हैं सबका। एक बार फिर से हम आ गए एल से लिटिल इंडिया, और यहाँ पे क्या करने वाले हम? तो एल से लंच कर लेते हैं ना लिटिल इंडिया पे। जब से सिंगापुर आए डोसा नहीं खाया, डोसा खाते, लेट्स गो। थैंक यू प्रेरणा, तो ऐसा चैलेंज कर रही है, इसकी वजह से ना बहुत अच्छा अच्छा खाने को और अच्छा अच्छा घूमने को मिल रहा है। थैंक यू प्रेरणा। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आप भी खा सकते हो डोसा लिटिल इंडिया में। प्रेरणा एम से, एम फॉर मसाज, तो चलो फिर मसाज कराते हैं। ओके, अब हर्ष कराएगा मसाज, कितनी खुशी सिंगापुर आके मसाज। इसलिए तो मैं सिंगापुर आया था, और वैसे भी सिंगापुर में ना बहुत सारे मसाज सेंटर है, जहाँ भी आप जाओगे आपको फुट रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज मिलती रहेगी। तो मैंने सोचा इस चैलेंज का फायदा उठाते हैं और मसाज कराते हैं। $45 40 मिनट? नहीं, मैंने बार्गेन करा लिया, $40 45 मिनट। तो एम से आगे नेशनल सिंबल ऑफ सिंगापुर देखने, और ये बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ से ना 360 डिग्री व्यू दिख रहा है पूरा, यहाँ से मरीना बे सैंड दिख रहा है, मेरिलियन पार्क दिख रहा है, नेशनल साइंस म्यूजियम दिख रहा है, और पानी का बहुत ही अच्छा सा व्यू दिख रहा है। और हर्ष तू क्या करने जा रहा है? भागा 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 भागा, अभी सारा पानी पीने वाला है, और मेरे को इसकी फोटो अरेंज करनी है। ओ ऐसे लग रहा है तो गया इसके नीचे ही। थोड़ा सा राइट, क्या हुआ? ऐसा नहीं लग रहा था तू पानी पी रहा, ऐसा लग रहा था तू नहाने गया उसके नीचे। एक ही बात है, चल अच्छी बात है, नहाना हो गया। तो मुझे यहाँ पे शकरकंदी मिली 290 की 100 ग्राम्स, मैंने कहा यार आज खा ही लेते हैं, फाइनली ले ली। गर्मी बहुत ज्यादा है, अबे पैसे भी देने होते हैं, उधर देने उधर, सामान बहुत महंगा है। कम से कम $60 का नारियल पानी है, एक कप है चेरी का, वो है ₹650 का। ओ माय गॉड, भाई मैंगो शेक वगैरह भी है $8-8 का लेना है। सिंगापुर वेरी एक्सपेंसिव। तो भाई ओ से आगे हम ओजी मॉल, ये ना बहुत पॉपुलर मॉल है, हमें दो तीन चीजें लेनी थी लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम और वगैरह, तो हमने कहा चलो इसी मॉल में ट्राई करते। जिससे ही पूछो ना वो कहता था ओजी चले जाओ, ओजी चले जाओ। तो आज आई गए ओजी, पता कर लेते हैं सिंगापुर का ओजी क्या है। हम भी तो ओजी हैं, हम भी ओजी बंदे हैं। चलो भाई ओजी फैक्टर, ये देखो ओजी बंदे इतनी शॉपिंग उठा के लेके जा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई इस ओजी मॉल में, हम भी देखें ओजी बंदे आज। आई लव सिंगापुर यार, ये तो बहुत छोटी है, तो आ जाएगी अशर के? हाँ यार। ओ भाई क्या बात है यार, एक तो मेरे लिए भी बनती है। इन्होंने भाई साहब ने लिया ये वाला एडिडास का बैग, कह रहा है 20% ऑफ मिल रहा है तो ले लेता हूँ। भाई इंडिया में नहीं मिलता क्या? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हम बस शॉपिंग करने आए। हाँ मुझे लगता है कि तू शॉपिंग ही करने आए। हर जगह शॉपिंग 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 शॉपिंग। पहली बार मैं कहूंगी शॉपिंग कर करके पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे बीच जाने की बहुत जरूरत है। हम जा रहे हैं यहाँ से पालावान बीच, मुझे नहीं पता बस ये ओजी ओजी बहुत हो गया, लेट्स गो टू पालावान बीच। हेलो हेलो फ्रॉम पालावान। भाई पालावान बीच के नजारे देख तू, लोग मजे से फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। यार हम क्या करें यार, हम कोकोनट वाटर पीते हैं। तो फाइनली हम बीच शटल करने वाले हैं, बीच शटल पे घूमेंगे पालावान बीच। पालावान बीच और साथ ही साथ सिलोसा बीच भी है इसके पास में, तो वो दोनों बीच कवर हो जाएंगे। अशर कह रहा है मैं तो बीच देखूंगा, इसीलिए आके खोल ली इसने बड़ी। जो भी राइड हो अशर उठ जाता है। तो पी से आ गए पालावान बीच, और अब हम बीच की सफारी करने वाली है। सफारी सवारी नहीं, सफारी एक शटल पे। ये पहली बार देखा मैंने कि बीच पे शटल चलती है। तो चलो फिर अशर को पालावान बीच दिखाते हैं, घुमाते हैं इसको बीच पे। भाई बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे, एक्चुअल में इंडियन ग्रुप भी मिला है, बहुत मस्त मस्त लोग हैं। हेलो, बैंगलोर से, पांडिचेरी, चेन्नई, हैदराबाद वाले भी है, पांडिचेरी वाले भी है। यार प्रेरणा कितना सुंदर बीच है, मेरा मन नहीं कर रहा आगे के लेटर ना तू पूरे कर, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, आराम से ना पानी में जाता हूँ, डुबकी मारता हूँ। यार तू पता है आधे घंटे से इतना बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया। यार मेरा दिमाग घूम गया, तू क्यों से क्वाइट हो जा, क्वाइट क्वाइट, बस जिप योर माउथ। अशर वेट कर रहे, बाय बाय। भाई तेरे को किसी ने कठपुतली बनने को नहीं बोला था, सिर्फ क्वाइट होने को बोला था, चल सकता है तू। सो पी से पालावान बीच पे हर्ष, डी से ढो रहे अशर को, क्योंकि मैंने मना किया था सैंड पे नहीं चलेगा इसका यार, फिर भी ले आया। थोड़ी देर चला उसके बाद खत्म, चल अब उठा। हर हर मैदान फतेह, पर जो भी कहो ये बीच वाइब है यार,
एक फिलीपींस का पालावान, एक यहाँ का पालावान। आज से मैं करने वाली हूँ राइड, वो भी इतनी डेंजरस राइड जिससे चीखे चीखे सुनाई दे रही है। हाय राम, क्या होगा मेरा। चलो चले फिर राइड करने। ऐसे क्या करें यार, ऐसे करेंगे शॉपिंग। S for Singapore, S for shopping, let's go। नहीं नहीं नहीं, शॉपिंग करेंगे बट सुविनर शॉपिंग, सुविनर लेंगे यार सिंगापुर का, जो तो हमेशा लेते हैं हर कंट्री से। ट्रिक कर दिया इसने मुझे, चल ठीक है सुविनर लेते हैं। कपड़े बड़े अच्छे वैसे शॉपिंग के लिए, थोड़े से ले लेते हैं यार। नहीं कितना बुरा लग रहा होगा ना तुझे यहाँ से निकल, मुझे यहाँ से ले चल, अगर यहाँ शॉपिंग नहीं करानी मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध रही हूँ, सिर्फ सुविनर ले ले। ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। यार कितने कलरफुल सुंदर सुंदर सुविनर है, कौन से लिए जाए, ये अच्छा लग रहा है, इस पे एनिमल्स बने हुए हैं। ले क्या प्राइस क्या है, 4 for $10 $10 के चार मिलेंगे कुल मिला के, कुछ 600 रुपए के चार। ओके ओके ओके, ये नहीं अच्छा लग रहा यार, कुछ वो देखना आइकॉनिक ये है जैसे, ये भी वही है। हाँ ये ले लेते हैं, एक ये हो गया। तो फाइनली हमने ये चार लिए हैं, की चेन भी हो गया, फ्रिज मैग्नेट हो गया, एक और फ्रिज मैग्नेट और एक बॉटल ओपनर। काफी सही, काफी सुंदर है। चलो फिर भाई बुगी स्ट्रीट आ रहे हो, बहुत सारा पैसा लेके आओ, बहुत शॉपिंग कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैशन है। मुझे तो ये सिर्फ सुवेनिर लेने दे रहा है, बट मैं दोबारा आऊंगी यहाँ पे, शॉपिंग चैलेंज करूंगी और फिर बहुत सारी शॉपिंग करके जाऊंगी। यार मैं बता रही हूँ तेरे को, हर्ष टी से ना यहाँ पे बहुत ही फेमस टी मिलती है, तारिक भाई की टी। शाम भी हो गया, चाय का वक्त भी हो गया, चलो फिर चाय पीने चलते हैं। अरब स्ट्रीट जाना पड़ेगा उसके लिए हमें, लेट्स गो, टैक्सी लेते हैं, निकलते हैं, तारिक भाई की चाय, टर्मरिक टी बनाते हैं बढ़िया वाली, लेट्स गो। तो भाई टी से ना टर्किश टी पीने आ गए हम हाजी लेन, इसको कहते हैं अरब स्ट्रीट भी। हाजी लेन और अरब स्ट्रीट दोनों साथ साथ है, तो पीछे आपको सबसे ग्रैंड मॉल मिलता है। ओ वाओ, तूने तो डायरेक्ट यहीं से पी ली। तो फिर अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, अंदर जाने की जरूरत है। चाय आ गई प्रेरणा तेरी, चाय चाय चाय, टर्मरिक चाय। चलो भाई बताओ कैसी है। सुपर हॉट है, मेरे से पी नहीं जा रही है। भाई बैकग्राउंड इतना अच्छा आ रहा है ना प्रेरणा, समझ नहीं आ रहा तुझे लूँ या बैकग्राउंड को लूँ। क्या बात है, वैसे सिंगापुर कैसे मेल्टिंग पॉट है ना, सारी चीजें मिलती है, इंडियन मिलता है, टर्किश मिलता है, टर्मरिक मिलता है, और अब हम करने वाले एंट्री, बहुत मजा आने वाला है। देखो अशर से मिलने कौन आया है। Puss in the boot, hey. Hello, that's so cute. Asher, do you know they are? Action! Yay! Hi! Hello! 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 यूनिवर्सल स्टूडियो घुसते ही हमारा एनकाउंटर हुआ मिनियन से, और अब हम मिनियंस के स्टोर पे आए हैं और देखने वाले हैं कि अशर के यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं, कोई अच्छी सी टी मिल जाए या अच्छा सा कोई मिनियन का टॉय मिल जाए। हर्ष कुछ पसंद आ रहा है, कितने सारे क्यूट क्यूट टॉयज हैं, इतना जल्दी जल्दी दिखा दिखा। वो ये अच्छा लग रहा है हर्ष, मुझे ये पसंद आ रहा है यूनिवर्सल स्टूडियो का, एक तरह से ना तू कहती है ना सुवेनिर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ, आप यहीं से देख लो हमने वी से कितनी सारी वेंडिंग मशीन ट्राई करी। अब चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पे, ज्वेल बोला जाता है एक्चुअल में, मतलब ज्वेल ही है वो, सर पे ताज होता है उसका ज्वेल है, और कानों में जो हम झुमके पहनते हैं वैसा ज्वेल है, मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ पर यहाँ पे बहुत कुछ है। एयरपोर्ट है, इतने सारे टर्मिनल से आप घूम घूम के आपके पैर थक जाएंगे। यहाँ देख रहे हो कितनी सही कॉफी हाउस है, आना तो बनता है यार, बड़ी खुशबू आ रही है इधर। तो W से तो हम वॉक अराउंड कर ही रहे हैं, पर पता है मुझे ना X से समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप हमें बताओ कि हम X से क्या करें। और Y से ना मैंने अभी यहाँ से योगर्ट लिया, मैं बैठ के योगर्ट योगर्ट मैंने कहा बैठ के खाऊंगी पर मुझे बैठने भी नहीं देगा, वॉक करते करते योगर्ट नहीं खा सकती मैं यार हर्ष। ये रहा मेरा Y से योगर्ट, ये बहुत ही अलग योगर्ट है क्योंकि ये $6 का है, बहुत महंगा योगर्ट है। पर X से क्या करूँ, क्या कर सकती थी वो मुझे जरूर बताना। Z से जू चलते हैं। तुझे पता है ना सिंगापुर का नाइट जू कितना पॉपुलर है, नाइट सफारी करेंगे, अशर को एनिमल्स दिखाएंगे ट्रैम में बैठे बैठे। चल लेट्स गो, यहाँ पे ना ट्रैम पे बैठ के पूरी वाइल्ड लाइफ सफारी होती है रात, ये बढ़िया, चलना भी नहीं पड़ेगा। और अशर तो वैसे भी सोया हुआ है सुबह से ही। एंड फाइनली हम आ गए नाइट सफारी के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आज का दिन इतना मस्त जा रहा ना। ओहो, अब तो रात हो गई है तभी तो। अशर यार ये तो सो रहे हैं। मुझे क्या लगता है अशर का फेवरेट एनिमल ना एलिफेंट था, सबसे अच्छी फोटो, सबसे ज्यादा ध्यान से उसने उसी को देखा था। अशर को ऊ कर रहा है उसने।